नमस्कार, जनकवास सुपर फास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ईवीएम से वीवीपैट की मिलान वाली एक और याचिका खारिज। 100% पर्ची मिलान की सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में विपक्षी दलों की हुई बैठक। नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में 21 पार्टियों ने की बातचीत। बैठक में ईवीएम और विपक्षी एकता को लेकर हुई चर्चा। वीवीपैट के मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग को सौंपा ज्ञापन। एग्जिट पोल नतीजों के बाद कर्नाटक कांग्रेस में बगावती सुर। राज्य में कुमार स्वामी सरकार पर छाए संकट के बादल। कांग्रेस नेता रोशन बेग ने पार्टी महासचिव वेणुगोपाल को बताया जोकर। कहा कर्नाटक में बीजेपी को 18 से ज्यादा सीटें मिली तो इसके लिए सिद्धारमैया होंगे जिम्मेदार। रोशन बेग बोले अल्पसंख्यकों का किया गया इस्तेमाल। सिद्धारमैया का अभिमानी रवैया फ्लॉप शो का नतीजा। बेग के बयान पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम जी परमेश्वर राव ने दी प्रतिक्रिया। कहा बेग का बयान उनकी निजी राय, यह पार्टी का मूल्यांकन नहीं। चुनाव नतीजों से पहले साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के लिए अच्छी खबर। मालेगांव मामले में विशेष अदालत के समक्ष पेशी से मिली छूट। सीबीआई ने मुलायम और अखिलेश यादव को दी क्लीन चिट। कहा आय से अधिक संपत्ति मामले में नहीं मिला कोई सबूत। यूपी और बिहार में ईवीएम की संदिग्ध आवाजाही से सकते में विपक्ष। चुनाव आयोग ने कहा आरोप बेबुनियाद, सुलझा ली गई है समस्या। ईवीएम की सुरक्षा को लेकर पूर्वांचल में पूरी रात मचता रहा हंगामा। धरने पर बैठे महागठबंधन के उम्मीदवार अफजाल अंसारी। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने चुनाव आयोग पर उठाया सवाल। ट्वीट कर बोली ईवीएम कहां से आ रही है, कहां जा रही है, क्या ये पूर्व निर्धारित प्रक्रिया का हिस्सा है। अपने मुखपत्र सामना में एग्जिट पोल के नतीजों पर बोली शिवसेना। लिखा बंगाल में मिल रही है बीजेपी को बढ़त, तभी नाराज है ममता बनर्जी। शिवसेना बोली देश में एक बार फिर आ रही है भाजपा सरकार। वर्तमान और भविष्य सुरक्षित रखने के लिए लोगों ने दिया मोदी को वोट। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अखिलेश यादव से की मुलाकात। बोले उत्तर प्रदेश में गठबंधन को मिलेंगी 60 से ज्यादा सीटें। संजय सिंह बोले देश भर से भाजपा का हो जाएगा सफाया। एग्जिट पोल पूरी तरह साबित होंगे गलत। केंद्र में मजबूत सरकार बनाएगा विपक्ष। दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर छतरपुर के पास आई तकनीकी खराबी। हजारों यात्री बीच रास्ते में फंसे, कई जगह लगा जाम। 4 घंटे बाद येलो मजेंडा लाइन पर बहाल की गई मेट्रो सेवा। तकनीकी खराबी के कारण बंद कर दिए गए थे रूट। महिला आयोग के नोटिस से घबराए अभिनेता विवेक ओबराय। सलमान और ऐश्वर्या वाला मीम डिलीट कर लिखा माफीनामा। सपा बसपा को सता रहा है वोटों की गिनती में गड़बड़ी का डर। अखिलेश ने कार्यकर्ताओं से की बड़ी संख्या में काउंटिंग सेंटर पर पहुंचने की अपील। नोएडा के गांव में भी पहुंची कूड़ा निस्तारण योजना। गांव रोहिल्लापुर में आने वाली गाड़ी का नोबरा ने किया स्वागत। नोबरा अध्यक्ष रंजन तोमर ने कूड़ा निस्तारण संबंधी दी जानकारी। समाज सेवी विपिन तोमर भी रहे मौजूद। योगी मंत्रिमंडल से राजभर को बाहर करने पर बोले डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे। ओम प्रकाश राजभर ने हर कदम पर किया गठबंधन धर्म का उल्लंघन। पांडे ने भाजपा को बताया गठबंधन धर्म निभाने वाली पार्टी। बोले सहयोगियों का पूरा सम्मान और भागीदारी देने में रखते हैं विश्वास। यूपी भाजपा अध्यक्ष ने सरकार के सख्त निर्णय का किया स्वागत। बोले सरकार में रहते राजभर ने दिए आपत्तिजनक बयान। भाजपा ने की मायावती और अखिलेश की चुनाव आयोग से शिकायत। समय सीमा समाप्त होने के बाद भी लगाया चुनाव प्रचार का आरोप। बसपा से निकाले जाने के बाद रामवीर उपाध्याय ने बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल दोपहर 2 बजे अपने आवास पर पत्रकारों को करेंगे संबोधित। उत्तर प्रदेश में बीएड एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर और आंसर की जारी। 1 जून से परीक्षार्थी करवा सकेंगे काउंसलिंग। अयोध्या को चमकाने की तैयारी में योगी सरकार। 3 साल में 3 एक्सप्रेसवे बनाएगी यूपी सरकार। बजरंगबली के जयकारों के साथ शुरू हुआ बड़ा मंगल। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने संकट मोचन के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। पर्यटकों को लखनऊ दर्शन कराएंगी स्पेशल इलेक्ट्रिक सिटी बसें। जून के पहले हफ्ते से होगा संचालन, सफर होगा सुगम। पर्यटकों के साथ बसों में सफर कर पाएंगे आम यात्री। लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज 14 AC बसों का करेंगी संचालन। कुशीनगर के पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मना आतंकवाद विरोधी दिवस। पुलिस कार्यालय पर राजीव नारायण मिश्र ने पुलिस कर्मियों को दिलाई शपथ। कुशीनगर में मतगणना के लिए आयोजित की गई बैठक। मुख्य विकास अधिकारी राम सूरत पांडे ने जारी किए दिशा निर्देश। मतगणना को लेकर चुनाव आयोग ने पूरी की तैयारियां। इंटरनेट और वाईफाई के इस्तेमाल पर रहेगी रोक। RBI जल्द जारी करेगा 10 रुपए का नया नोट। गवर्नर शक्तिकांत दास के होंगे हस्ताक्षर। राजधानी एक्सप्रेस की बढ़ेगी रफ्तार। मुंबई से 1 घंटे पूर्व पहुंचेगी दिल्ली। घायल भाजपा कार्यकर्ता के परिजनों से मिले शिवराज सिंह चौहान। बोले मध्य प्रदेश को बंगाल बनाने पर तुली है कांग्रेस। एग्जिट पोल के नतीजों पर अरुण जेटली ने किया दावा। बोले ऐसे ही रहेंगे चुनाव परिणाम, विपक्ष की होगी बड़ी हार। नीति आयोग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बनाई 75,000 करोड़ की योजना। प्रोजेक्ट को रफ्तार देने के लिए नई सरकार के सामने रखेंगे प्रस्ताव। मतगणना में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस नेता फैसल लाला ने की शिकायत। रामपुर के जिलाधिकारी से मिलकर सौंपा पत्र। फैसल लाला ने आजम खान को बताया दबंग व्यक्ति। बोले आपराधिक मुकदमे वाले व्यक्ति को प्रशासन ना बनाए एजेंट।
मतगणना को लेकर पूरी तरह सजग है रोहतास जिला प्रशासन। काउंटिंग के लिए जिला प्रशासन ने शुरू किया ड्राई रन। ऑब्जर्वर के अलावा निर्वाचन से जुड़े सभी अधिकारी रहे मौजूद। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के किए हैं व्यापक इंतजाम। डीएम पंकज दीक्षित बोले, आयोग द्वारा निर्देशों का किया जाएगा पालन। मतगणना परिसर की पूरी तरह की गई है बैरिकेडिंग। विश्व कप की टीम से कटा पाक क्रिकेटर जुनैद खान का नाम, मुंह पर काला टेप लगाकर सोशल मीडिया पर जताया विरोध। महान तेज गेंदबाज जैफ थॉमसन ने की जसप्रीत बुमराह की तारीफ, बोले बुमराह की गेंदों को समझना बेहद मुश्किल। थॉमसन बोले, विपक्ष की टीम को तहस नहस करने में सक्षम है बुमराह। विश्व कप में रवाडा पर भी रहेंगी क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें। विवाह बंधन में बंधे टीम इंडिया के क्रिकेटर हनुमा बिहारी, तेलुगु रीति रिवाज से गर्लफ्रेंड प्रीति के साथ रचाया विवाह। पिछले साल अक्टूबर में हैदराबाद में हुई थी प्रीति हनुमा की सगाई। भारत के लिए 4 टेस्ट मैच खेल चुके हैं हनुमा बिहारी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।